my God! Wow! Good morning, friends. कैसे हैं आप सब? और आज हमारा दूसरा दिन है ओरोविल में. अभी अभी मैं उठा हूँ बिकॉज रात को बड़ा लेट हो गया था. और ये आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ फिलहाल, ये मेरा रूम है. तो बिल्कुल जंगल के बीच में, जैसा कि आप सोचते हैं कभी कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो, तो वैसा ही यहाँ पर है. तो अब किचन में जा रहा हूँ जो कि ओपन किचन है, और पानी पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो सके. तो आप पीछे देखिए, पूरा ऐसा माहौल मिलेगा कि फॉरेन कंट्री की आपको फीलिंग मिल रही है. इस गेस्ट हाउस की स्पेशलिटी ये है कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर. तो इवन आप यहाँ पे भी देखेंगे, तो जस्ट लुक एट दिस. तो यहाँ पर मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनकी बहुत वेराइटीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि ये सारा ह्यूमन मेड है. ये पहले ऐसा नहीं था. तो 1960s या 80s के आसपास स्टार्ट हुआ था रियल में इस जगह को बिल्डअप करना, और अब जाकर ये एक तरह से पूरे जंगल की तरह तैयार हो गया है. और आप कह सकते हैं जंगल में मंगल. देखिए कितना खूबसूरत फूल खिले हुए हैं यहाँ पे. तो दोस्तों, भाई साहब अभी उठे हैं और यहाँ ब्रेकफास्ट बंद होने वाला है. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे अलाउ किया जाए प्लीज, और मैं 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आता हूँ. दो डिब्बे पानी के डालने हैं, दिक्कत क्या है. दोबारा से गुड मॉर्निंग, क्योंकि अब मैं नहा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ किचन की ओर, और देखते हैं मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मिल पाता है या नहीं. सो दैट्स द हेल्दी ब्रेकफास्ट दैट वी गेट इन द मॉर्निंग. तो देखिए कितनी प्यारी सी बिल्ली है ये. तो ये यहाँ मेरे रूम के आगे चक्कर काट रही है, ये प्यार जता रही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है. दिस इज नॉट योर रूम डियर. तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने यहाँ बर्तन भी धोए हैं, क्योंकि ये यहाँ का रूल है कि नोबडी विल वॉश योर शिट, कि भाई अगर आपने खाना खाया है तो आप ही साफ करेंगे. तो यहाँ पे ये रूल मुझे अच्छा लगा कि जो भी प्लेट्स वगैरह आप कुछ खाना छोड़ देते हैं उनमें, तो उनको आप एक अलग से, इन्होंने बिन बनाया हुआ है फूड वेस्ट, तो वहाँ पे डालेंगे और अपने बर्तन वहीं पे आप साफ करने के बाद आप फिर जा सकते हैं अपने रूम में. तो यहाँ का ये रूल मुझे अच्छा लगा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है. तो अभी मैं मानसी को कॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या अपडेट है. फाइनली मानसी हैज अराइव्ड एंड शी हैज हर्ट हर लेग, है ना, चोट लग गई आते ही. तो आज हमारी गाइड मानसी जी हमें कहाँ लेकर जाएंगी? स्वरम. तो देखते हैं, चलिए जल्दी से निकले. यहाँ पे तो ऑलरेडी आवाजें आ रही हैं कई तरह की. तो दोस्तों, ये है स्वरम. देखते हैं यहाँ पे कैसे वाद्य यंत्रों के साथ हमारी जो आत्मा है वो पवित्र होती है. All these are musical instruments. Yes. तो हमने अच्छे से सभी वाद्य यंत्र थे उनको बजाया, उन्हें सुना, और अब हम साउंड गार्डन देखने जा रहे हैं जहाँ पर भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ. सुना कि मैं गीत और भाई सबको प्यास लगी है अभी. इन वेलिस समर टेक्स हाउ इट वर्क हाउ सतेंद्र वर्क इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन चलते हुए. इजी इजी, आराम से आराम से आराम से. सत्येंद्र भाई जोश में आते हुए. सो मानसी इज फाइटिंग अगेंस्ट द बैम्बूज. ग्रेट, एंजॉयड. भाई हमारे बहुत जोश में ऊपर चढ़ते हुए. या कम 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 कम. यस 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 यस. ये 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 ये.
ये देखिए कैसे बैलेंस किया जा रहा है। यस कम स्ट्रेट ये वी हैव जस्ट मेट जाना फ्रॉम जाना विद अ डी जाना फ्रॉम फिलिस्तीन Palestine, yeah. Zana. Okay, that's a soft D. Yeah. Okay, I thought it's Z. And where okay. you from? I'm from here, India, as Fancy. Nice to meet you both. Yeah, my name is Satender. Satender. Yeah. Nice to meet you. I like your hair. So just look Thank at her you. Hair. She's so pretty, beautiful. So beautiful. Oh my God! Wow! You must be a model, right? Sometimes I'm. Yeah, I got you right, huh? Because I could see the way you walk, like, you know, your hair and the way you carry yourself. It's really great. Thank you very much. So guys, you know what happened? कि मेरा कल कैश खत्म हो गया था और मैंने मानसी को बोला था ATM, ATM, ATM. ये हर बार भूल जाती है. यहाँ पे आके इसने ऑर्डर कर दिया. पैसे प्रोसेस हुए नहीं और ना मुझसे हो रहे हैं ना मानसी से हो रहे हैं. जो मानसी की फ्रेंड है गायत्री, शी इज वर्किंग ओवर हियर इन द कैफे. बेचारी ने खुद ने ही पे कर दिया. काम तो मेरी वजह से ही हुआ. ये जो हिबिस्कस का जूस है ये मेरा फेवरेट बन चुका है अब यहाँ पे आके. पिछले एक साल से यही पी रही है मानसी यहाँ पे और चॉइस अच्छी है लड़की की. मेरे को सच में पसंद आए. यहाँ पर आपको यहाँ के यानी कि इंडियंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. एक आधा जैसे कि मानसी जो पढ़े हैं बस यहाँ पे. और ये यहाँ का किंडरगार्टन स्कूल है. सारे यहाँ बाहर से ही हैं, टीचर्स भी बच्चे भी. अच्छा ये किचन है पूरा ना. वाओ स्कल्पचर्स पूरे बना रखे हैं. सही है. Auroville is not a space to visit. अच्छा. Auroville is a space to experience. ये कहना चाह रही हैं कि ये सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है. आप अनुभव करते हैं Auroville क्या है. ये वैसे विदेशी नहीं है, ये अपने गोहाना की हैं. यहाँ आने के बाद अंग्रेजों का जो असर है इन पे बहुत ज्यादा पड़ चुका नहीं, है. ऐसा कुछ नहीं है. इन्होंने शायद मेरी वीडियोस ज्यादा ही देख ली होंगी. तो दोस्तों यहाँ पे आओ, खाना खाओ, ठीक है. और जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, Auroville में आके आप वॉलंटियर की तरह आप काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, रह सकते हो आराम से. मुझे ऐसा लग रहा है मानसी आप लोगों को यही मिलेगी. तो कहीं से भी आप आ रहे हो इसको पहचान के इसको पकड़ लेना. ये आपको पूरा Auroville दिखा देगी क्योंकि Auroville से इसे प्यार हो चुका है. तो ये आपकी गाइड परमानेंट रहेगी. हाँ ये चार्ज जरूर करेगी आपसे, ठीक है. वो पैसे अपने मोटे करके आना जेब, क्योंकि इसका टाइम बड़ा कीमती आर्किटेक्ट है. तो भैया पैसे हो गए ख़त्म और मैं पहुंच गया हूं यहां भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में. पैसे बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जब आप ट्रैवल करते हो. और कई बार क्या होता है कि ये जो आपका फ़ोन है ना, यूपीआई वगैरह, गूगल पे, ये काम नहीं करता. जैसे अभी एक रेस्टोरेंट में काम नहीं किया कैफ़े पे. तो इसीलिए कुछ कैश भी होना चाहिए पास में. अब सारा दिन घूमते हुए इतनी थकान हो गई है कि अब मुझे नींद आ रही है. तो अब आ गया हूँ मैं मेरे रूम पे. दैट्स माय स्वीट रूम. तो ये जो बेड है ये मुझे बुला रहा है, आओ आओ. आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक मानसी जी फिर से आ गई हैं. तो ये आ गया है मानसी मैम का वर्क प्लेस एक तरह से. इसका नाम है कुर्तोश. तो भैया हमने लगा दिया है हमारा स्टॉल. देखो हम यहाँ पे बैठे हैं. Auroville में आ जाओ, मेहंदी लगवा लो, टैटू हिना टैटू करवा लो. तो दोस्तों और कोई नहीं मिला तो मानसी ने मेरे को ही चिपका दिया. लेकिन देखना आप कितना अच्छा बनेगा. बहुत बढ़िया. इट्स फाइनली डन. जस्ट लुक एट इट. अभी डिनर टाइम हो गया है. तो ये मानसी ने मंगवाया है कुछ स्पेशल मेरे लिए. तो दोस्तों अब रात के 12 बज चुके हैं. मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं यहां गेस्ट हाउस में. तो मानसी का जो अपार्टमेंट है वहां उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे. तो वहां हम बैठकर बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे. तो इसी में कब वक्त चला गया पता भी नहीं चला. तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा. कल के लिए भी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स जो हैं वो लाइनअप हैं. परसों के लिए भी ऑलरेडी प्लान्ड हैं. तो आई एम श्योर कि आप लोगों को मजा आने वाला है. तो बने रहिएगा मेरे साथ. तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ. लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.